नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई वीज से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, एक आर्टिकल मेरे पास आया था और ये 100% कहीं ना कहीं सत्य है भाई, क्योंकि ये जो न्यूज़ आती है किसी के पक्ष में विपक्ष में किसी का आंकलन करना। जी हाँ साथियों, ये नेशनल स्तर इंटरनेशनल स्तर की कुछ वेबसाइट होती हैं, ठीक है, वो आंकलन करती है। तो अभी हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड, यूएई की बात नहीं करेंगे, दुबई स्टेट है यूएई का, उसकी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में 900,000 जॉब दुबई से जाने वाली हैं। जी हाँ साथियों, दुबई से 900,000 जॉब ख़त्म हो जाएंगी। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि कोरोना जो आपको चल रहा है महामारी, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं आपको साथियों पता है वो बंद हो रहे हैं कोरोना की वजह से, फंडिंग की वजह से, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं और मेन रीज़न तो भाई कोरोना ही है। इसकी वजह से लगभग 900,000 जॉब दुबई स्टेट के जाने वाले हैं। ये एक वेबसाइट है, इंटरनेशनल वेबसाइट ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। जी हाँ साथियों, इसके अनुसार इन्होंने बताया कि भाई दुबई के आने वाले टाइम में 900,000 जॉब चले जाएंगे। इसका रीज़न मैं बता दूं, 2008 में भी दुबई में ऐसी ही स्थिति हुई थी। जी हाँ साथियों, 2008 में मंदी का दौर आया था आप लोगों को अगर पता हो तो, और उस दौरान बहुत सारे विदेशी इंडियन जो मान लीजिए या पाकिस्तानी ने कोई भी विदेशी थे दुबई में, जो लोग विदेशी थे वो दुबई छोड़ के अपनी अपनी कंट्री चले गए थे। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और 2008 के बाद में 2020 में वो दौर आया दोबारा, हालांकि 12 के करीब दुबई वापस उठा था दोबारा से और अच्छी अभी कंडीशन में था, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और क्योंकि इसका लॉस का सबसे बड़ा रीज़न है, दुबई में 2020 एक्सपो होने वाला था, वो भी आपको पता है साथियों वो एक्सटेंड हो गया 2021 में होगा इसी टाइम में, तो उसमें लगभग 2.5 करोड़ के लोग पॉपुलेशन वहाँ पे आने वाली थी उस एक्सपो में 2020 में, तो वो एक बड़ा माइनस पॉइंट हो गया। दूसरी बात मैं बता दूं कि दुबई स्थिति डाउन होगी दुबई की, वो इसलिए होगी कि दुबई की 100% आबादी में 85% आबादी आप लोगों की है। जी हाँ साथियों, आप लोग भूमिका निभाते हो 85% में, और उसका रीज़न मैं बता दूं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या वहाँ इतनी पॉपुलेशन है? नहीं है ना। वो जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फ्लैट वगैरह मकान, वो इसमें कौन रहता है? आप लोग रहते हो, और उनमें से 10% लोग भी दुबई छोड़ के वापस आ जाएंगे, तो दुबई को कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा दुबई सरकार लगा चुकी है, उसको पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमी आपकी वजह से बढ़ती है दुबई की, क्योंकि आप वहाँ पे कमाते हो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे आप खर्च भी तो करते हो ना। कितने लोगों ने वहाँ पे फ्लैट ले रखे हैं, कितनी ज़्यादा जनसंख्या ने, ठीक है, अब वो इंडिया आएंगे अपने अपनी कंट्री लौट जाएंगे तो वो खाली हो जाएंगे। दूसरी बात, होटल रेस्टोरेंट लग्जरी सामान स्कूल और भी बहुत सारा जैसे मार्केटिंग या फिर होल जितना है वहाँ पे खरीदारी कौन करता है? संडे फ्राइडे के दिन देखते होंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ किसकी होती है? अरबी लोगों की होती है। मैंने तो भाई मैं भी दुबई में रहा हूँ, मुझे तो अरबी लोग इतने दिखाई नहीं दिए जितने लोग एशियन है, इंडियन पाकिस्तानी नेपाली बंगाली ये लोग हैं। तो ये लोग अब अगर वापस आ रहे हैं धीरे धीरे छोड़ के, तो फिर दुबई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? उनकी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, उनकी इनकम सेल बंद हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि दुबई में की स्थिति खराब हो सकती है, और आने वाले टाइम में मेरा जो अनुमान है दुबई के पूरी व्यू की बात करें 20,00,000 लोग जॉब जा सकती हैं। जी हाँ साथियों, दुबई आपको पता है व्यू में 7 स्टेट है, अगर एक स्टेट दुबई की इकोनॉमी गणित ये निकल के आ रही है 900,000 जॉब जाएंगे, तो बाकी 6 स्टेट हैं उनमें क्या 10 लाख जॉब नहीं जाएंगे? तो मेरी ये गणित है कि 20,00,000 के करीब ये जॉब आने वाले टाइम में दुबई में ख़त्म हैं, और ख़त्म तो हो रहे हैं भाई। कितने इंडियन लोग जो आ रहे हैं वो जॉब नहीं है, उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको संभलने में, हालांकि संभल जाएगा, दुबई फास्ट ग्रो करता है तो जल्दी उसका नेगेटिव इसको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, सच्चाई अपने को एक्सेप्ट करनी चाहिए। हालांकि जो इंटरनेशनल ट्रेवल स्टार्ट हो जाएगा तो लोग वहां पे जॉब से रिलेटेड जाएंगे, तो क्योंकि 85% आबादी दुबई में बाहर की है, एशियन कंट्री है जिसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत निभाता है, भारत की पब्लिक आप लोग, उसके बाद पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन ठीक है, 2020 में कंट्रोल कर लिया जाएगा, इस पर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि ये जॉब दुबई में जाने वाले हैं, बहुत से जॉब चले गए, आप लोग वहाँ रह रहे हैं तो भाई आपको पता ही है। बस आज की जानकारी यही देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।